हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है मेरा करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग और मैं आई हूँ मेहंदी लगवाने। मेहंदी लगवाना सभी ही गर्ल्स को बहुत पसंद होता है, सेम मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली जो इनकी फ्रेगनेंस होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे को तो बचपन से ही मेहंदी का ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता था। मुझे आज भी याद है जब करवा चौथ होती थी तो मैं अपनी मम्मा के साथ जाके बचपन में ही मेहंदी ज़रूर लगवाती थी। सबसे पहले मैं ही लगवाती थी, मम्मा बाद में एंड मैं पहले। तो भैया ने बहुत अच्छे से मेहंदी लगाई है एंड डिज़ाइंस भी जो हैं बहुत अच्छे, जैसे मैंने उनको बोला जैसे मुझे चाहिए थी वैसे ही इन्होंने लगा दी। बहुत ही अच्छे से बहुत ही ब्यूटीफुल मेहंदी लगाई थी मुझे। तो मैं आ गई हूँ वो पेज मेहंदी लगा के एंड मुझे जो फ्रेगनेंस है वो बहुत अच्छी लगती है एंड डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे हैं, देख सकते हैं, और फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है करवा चौथ का ब्लॉग जिसमें अपना पूरे डे का शेयर करूँगी कि आज मैंने क्या किया। और अभी बच चुके हैं सुबह के 4 और मैं उठ चुकी हूँ और फ्रेश होकर आ गई हूँ और अभी मैं खाऊँगी सरकी। उससे पहले मैं करूँगी मंसने का सामान जो भी करते हैं उसको मंस के, जिसमें हम एक लेडी का पूरा मेकअप का सामान रखा होता है। वो सब करने के बाद मैं करूँगी सर्दी खाऊँगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ आज। सो मैंने ये बैंगल्स भी ली हैं एंड चूड़ा भी नया बाय करा है। तो पहले सर्दी के टाइम भी कुछ पहनना होता है तो मैं अभी यहाँ से बैंगल्स निकाल के पहन लूँगी। सो फ्रेंड्स, मैंने पूरी बैंगल्स लगा ली। पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक एक लगाऊंगी, देन आई डिसाइड कि मैं 7 लगा दूंगी एंड बिंदी एंड सिंदूर लगा लिया। कुछ लोग प्रॉपर रेडी होके ड्रेसअप होकर सर्दी खाते हैं, बट मेरा ऐसा नहीं, कुछ वापस होना होता है एंड मैं जो लेजी हूँ बहुत ज़्यादा। सो मेरा रहता है कि मैं नाइट सूट में खा लूँ एंड फटाफट से छटक से जाके वापस सो जाऊँ। वो अभी मैं सामान मंसूँगी जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी एंड उसके बाद मैं सर्दी खा के सो जाऊंगी। इसमें हमने थाली में डाली है बनानास, फ्रूट्स रहते हैं फेमिया कतलम में, पैसे और ये मेकअप का सारा सामान इसमें सब इंक्लूड रहता है एंड पानी का यूज़ होता है मंसने के लिए। अभी मैं देखती हूँ कैसे करते हैं। खा रही हूँ सरकी जिसमें मैं खा रही हूँ चपाती, शिमला मिर्च आलू एंड टी। वैसे तो मैं टी लवर नहीं हूँ बट मैं टी ज़रूर लेती हूँ एंड चपाती एंड वेजिटेबल अपनी फेवरेट वाली ले लेती हूँ सुबह। जो भी मेरे को शिमला मिर्च आलू बहुत पसंद है तो मैं वही खाना प्रेफर करती हूँ। और साथ में खाऊंगी मैं सेमिया बिकॉज उसका शगुन होता है, पसंद नहीं है मुझे बट खानी पड़ेगी बिकॉज उसका शगुन होता है। तो कर लूँ, खा लूँ, उसके बाद शेयर करती हूँ। सो मैंने अपनी सर्दी कर ली है फिनिश। जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं सुबह फ्रूट्स लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, मिल्क भी लेते हैं एंड मिठाई भी खाते हैं बहुत सारे बिकॉज शगुन होता है, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं रहता बिकॉज सुबह सुबह फ्रूट्स खा, वैसे भी आई हेट फ्रूट्स, फ्रूट्स खाने का मेरा सुबह सुबह कुछ मन नहीं होता एंड वही चपाती एंड अपनी ले ली थोड़ी सी टी एंड वेजिटेबल एंड वो खा लिया फेमिया खा ली बिकॉज ऑफ। हो गई हूँ रेडी एंड अब मैं जा रही हूँ अपने घर, आई मीन अर्जुन के घर। ये आए थे मुझे कल लेने के लिए, मैं आई थी अपनी मम्मा के घर और अब मैं जा रही हूँ इनके घर, आई मीन अपने घर। तो देखते हैं मैं क्या। बैंगल्स जो है वो बहुत अच्छी लग रही हैं, आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी हम हैं ऑन द वे, घर से ही निकले हैं अभी, अभी हमें लग जाएंगे हाफ एन आवर पहुंचने में। थोड़ा सा टचअप रहता है आज, मैंने कुछ खास नहीं किया पूरा दिन, सिर्फ मेकअप किया एंड रेडी होके रही एंड
8 बजे चांद निकलेगा उसके पहले मैं जाऊंगी कथा सुनने के लिए एंड फिर खाना खा लूंगी बिकॉज थोड़ी थोड़ी वैसे भूख तो थोड़ी थोड़ी बीच में लग रही थी बट पानी प्यास का बिल्कुल भी मुझे प्यास नहीं लगी क्योंकि मैं पानी वैसे भी कम पीती हूँ। भूख बीच बीच में मतलब जैसे 2 बजे पे खाने का टाइम था तब थोड़ा सा फील हुआ कि भूख लगी है, अदरवाइज अभी तक वैसा कुछ नहीं है कि मैं खाने के लिए मर रही हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है या मुझे पानी चाहिए, नॉर्मल है बिकॉज पूरा टाइम मैंने मेकअप में ही बिता दिया, रेडी होके रहना है मेकअप बस इसी में मैंने पूरा टाइम बिता दिया, टाइम का पता ही नहीं चला। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, एक ही बार जब मैंने इसको देखा तो मुझे ये एक बार देखने में ही बहुत अच्छा लगा, आउटफिट जो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मेरी बैंगल्स जो कि मैंने आपको सुबह भी बताई थी बहुत प्यारी लग रही है और मैं भी बहुत प्यारी लग रही हूँ। मुझे बताना ऐसे करके देख लिया आजा सोनिया आजा सोनिया आजा सोनिया आजा सोनिया तेरे लिए ही पाया चूड़ा तेरे लिए ही बिंदिया तेनू देख देख चन्ना हर रोज जीनिया तेरे लिए ही पाया चूड़ा तेरे लिए ही बिंदिया तेनू देख देख चन्ना हर रोज जींदिया दिन सारा लंग गया खाता पीता कुछ भी नहीं तेरे लिए पाए कलोथिया अज ना लड़ी मर जाने। सो ये है सामान जो मैंने मम्मा को देना है जिसमें शगुन ड्राई फ्रूट से मठियाँ थी 13 एंड मम्मा पापा की ड्रेस थी, मम्मा की ड्रेस पापा की ट्विटर और मेकअप का सामान नारियल। मम्मा बैंगल्स नहीं पहन रहे तो मैंने इनके लिए कड़े लिए थे एंड लिपस्टिक सिंदूर नेल पेंट बिंदी तो मैंने मम्मा को दिया, मम्मा पापा को दोनों को दिया ये जो भी इनके लिए सामान था और उसके बाद मैंने दिया पापा को स्वेटर अपनी तरफ से, मम्मा कैसे देख रहे हैं, और उसके बाद मैंने मम्मा को ड्रेस दी तो और ये टाइम था जब मुझे मम्मा पापा से पैसे मिल रहे थे और मेरे को बड़ी खुशी मिल रही थी, सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की कि मैं ब्लेसिंग्स ले रही थी, पापा तो पैरों को हाथ लगाने नहीं देते बट उन्होंने फिर भी मुझे ब्लेसिंग्स दे दी तो। और मम्मा ने बनाया था मेरे लिए ये सारा खाना बनाया मम्मा ने, जितना भी फूड है सारा का सारा, गोभी मेरी फेवरेट है, राजमा मेरी फेवरेट है और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट था रायता जिसमें डाला था कद्दू और ये था अनार और ये पता नहीं क्या था बीच में आई डोंट नो, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था। और ये अर्जुन ने ये सारा खाना सर्व किया है अर्जुन ने और चपाती इसको कितना घी लगाया है, ऐसा लग रहा है जैसे एक ही दिन में मुझे सारा मोटा कर देना है और खाना बहुत टेस्ट था सीरियसली। मैंने चेंज कर लिया और अब मैं करने लगी हूँ डिनर, मेरे सामने पड़ी है मेरी प्लेट एंड उससे पहले मैं ब्लॉग एंड करूँ, आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा ये करवा चौथ का एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए ब्लॉग के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।